सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई बहुत अच्छी हूँ और मैंने अभी अपने हेयर ऑयलिंग की है और अभी हो रहे हैं इवनिंग के 6:30। अभी तक विशाल आए नहीं है और मैं वेट कर रही हूँ लिटरली। चलिए आते हैं तो मिलते हैं। कुछ कर नहीं रही हूँ, बस किचन का काम करके आई हूँ अभी। जस्ट बर्तन वर्तन सारा कुछ साफ कर लिया, बस विशाल के आने का वेट है। तो गाइस निधि पहले कहती थी कि कुछ कहता ही नहीं है बनाने के लिए, और अब जब कह देते हैं तो भाई सब मुंह उतर जाता है। कितना फनौती इंसान है, कितना झूठे इंसान है। देखो बनाने के लिए कह दिया तो 4 बार में ठेला देना पड़ता है। ठेला का ऐसा कुछ नहीं, फोन किए थे, मैसेज किए थे, नेट ऑन गया तो मैसेज दिखाई देगा। और भाई साहब इन्होंने कहा सो गाइस आज बना था नाश्ते में पास्ता। बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हम लोग ने पास्ता खाते खाते मेरा और विशाल का इतना ज़्यादा गंदा वाला बहस हो जाता है ना, इतना ज़्यादा गंदा वाला कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं सुना नहीं सकती हूँ, बस मैं बता सकती हूँ। अब देख सकते हैं मेरा और विशाल का एकदम बहस कुछ ज्यादा हो जाता है। हम झूठ बोलते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सो गाइस मैंने लास्ट में थोड़ा सा सुनाया कि मतलब कि बहुत ज्यादा बहस हम लोग का हो गया था। फिर मैं गुस्से में आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने, और फिर किचन में भी ये आ जाते हैं मुझे इरिटेट करने। कभी मुझे ऐसे ऐसे उंगली करते हैं, कभी से सर पे मेरे मारते हैं, मतलब क्यों नहीं बात कर रही हूँ तुम हमसे, ऐसे इरिटेट करते हैं। अब देखना कैसे करते हैं, ये देखिए एकदम ना मुझे इरिटेट कर देते हैं। किचन में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो हेयर बैंड ला के लगाते हैं, फिर भी झूठ बोलते रहते हैं पीछे से, फिर खुद ही चले जाते हैं कि आज नहीं बोलेगी। अब बहुत ज़्यादा ये गुस्सा हो चुकी है, तो मैं अपना क्या ही करूँ, गुस्सा रहूँ चाहे कुछ भी रहूँ, खाना तो बनाना ही है। तो बस मैं बना रही थी यहाँ पे आलू पालक की सब्जी। तो मैंने पालक को अब साफ कर लिया है, धुल लिया है, अब उसको कट कर रही हूँ। आलू भी मैंने कट करके रख लिया था, तो बस मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ आलू पालक की सब्जी। और ये होता है ना कि मतलब कि मुझे भी आलू पालक पसंद है, विशाल को भी आलू पालक पसंद है, तो इसलिए अधिकतर दिन हम लोग का आलू पालक ही चलता है और अच्छा भी है। और मिस्टर विशाल के लिए मैंने इतना रख दिया है, मॉर्निंग में दाल इसका बना कर दे दूँगी, पालक वाला दाल। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, और मॉर्निंग में विशाल आजकल दाल चावल लेकर भी जा रहे हैं और खा कर भी जा रहे हैं, तो मुझे रात में आसान हो गया है, रोटियाँ बनाना पड़ती है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा काम नहीं रहता है रात को, बस फटाफट रोटी सब्जी बना लेती हूँ या फिर एक आधा एक्स्ट्रा भुजिया वुजिया कुछ बना ली। बट आज आलू पालक का था तो विशाल ने बोला कि नहीं बस सब्जी रोटी ही बनाओ और रायता वायता बना लेना, अच्छा लगता है वो सब साथ में। तो बस मैं यहाँ पे सब्जी ऑलमोस्ट हो चुका है, फिर मैं यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि आलू पालक का सब्जी होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो पालक गल गया मतलब सब्जी हो गया। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ भी फटाफट बना ले रही हूँ, और अभी तक मैं विशाल से बात नहीं की हूँ, मतलब कि गुस्सा ही थी। बट ये होता है ना कि ना खाना तो बनाना था, और खाना बनाने के बाद जब मैं शव को ले जाती हूँ तो फिर गुस्से में ही वो रहते हैं, आते ही नहीं है खाने नीचे। अरे साहब देखना, तो ऐसी नोक जो हम लोग की डेली होती है, ऐसा नहीं है कि आज हो रही है। सो गाइस लग चुका है हमारा खाना और मिस्टर आ नहीं रहे हैं नीचे। आइए नीचे, चलिए मिलते हैं खा पी के। और यही हमारा खाना था, आलू पालक की सब्जी, रोटी, रायता, सैलड, यही सब। सो ही गाइस अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8, और लिटरली मैं सुबह नींद में आजकल नाश्ता बना दे रही हूँ। तो चलिए मैंने नाश्ता वास्ता बना दिया है, नाश्ता वास्ता सब पैक भी कर दिया है, विशाल कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता क्या ये बोली, तो उनका लंच ही चल रहा है, पैक है, और वो दाल चावल एकदम भुजिया मस्त दबाए जा रहे हैं। कौन खाता है इतना मॉर्निंग में दाल चावल? यहाँ भाई सब नाश्ता नहीं चलता है, यहाँ तो खास भोजन चलता है। डिनर चल रहा, लंच चल रहा है, मानिए तो बेसिकली ये लंच ही है, दाल चावल, लंच में भी दाल चावल। जो अच्छा लगे वही ले जाए। खाना तो मुझे है, जो खाएंगे वो बनाना रहेगा। दाल चावल मुझे आसान रहता है, दाल चावल चढ़ा देती हूँ और दाल जैसे ही हो जाता है तो भुजिया बना देती हूँ, सब्जी बना देती हूँ, तो ये अच्छा है, जो अच्छा लगे वो खाए अच्छा है। रात को कम मेहनत पड़ती है, रात को रोटी बन जाती है। तो चलिए, अरे भैया बहुत काम पड़ा है अभी, क्योंकि अभी जाएंगे तभी तो काम करेंगे। सो गाइस फिर से ये बालकनी में आके बंदर बैठ गया था, और ऐसा था ना कि अगर आज भी बालकनी का गेट खुला रहता ना तो आज भी बंदर आकर घर से कुछ ना कुछ ले ही जाता। यही था कि आज बालकनी का गेट मैंने बंद करके रखा था, उस दिन से मैं बंद ही करके रखती हूँ, जब निकलती हूँ तब खोलती हूँ, नहीं निकलती हूँ तो बंद रहता है। तो आज बंदर महाराज आए थे अपना झंडा फहराने हमारे घर लगा। सो ही गाइस आई होप कि आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप सपोर्टिंग।